गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अमरेंद्र कुमार साइंस टीचर हलवासिया विद्यापीठ। टुडे स्टडी चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इन्हें प्रीवियस एक्सप्लेन मॉडल ऑफ एटम्स और मॉडल ऑफ एटम में हमने एक्सप्लेन कौन सा किया था, फर्स्ट मॉडल दैट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अब इस मॉडल में हमने क्या, उस मॉडल में हमें मिला था एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन इट। सेकेंड हमने कहा था कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, एंड द एज ए होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आगे हमने आपको नेक्स्ट टर्म्स बताए थे, वो क्या था आपको रदरफोर्ड मॉडल, इसमें हम लिमिटेशन भी बताए थे, इसकी मेरिट्स और लिमिटेशन। रदरफोर्ड मॉडल में हमने क्या किया था, रदरफोर्ड मॉडल्स में फर्स्ट हमारा आपको इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अल्फा हर्ट की स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में हमने अल्फा पार्टिकल्स को लिया। क्यों लिया अल्फा पार्टिकल्स को, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि अल्फा पार्टिकल्स ये क्या है, इसमें +2 चार्ज एंड 4 यूनिट मास एंड हैविंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो इट इज सेलेक्टेड फॉर एक्सपेरिमेंट। सेकेंड हमने गोल्ड फाइल के लिए लिया था, तो गोल्ड फाइल क्या है, दिस मोस्ट वैल्यूएबल, क्या है मोस्ट वैल्यूएबल मेटल, और इसका थिकनेस कितना हो जाता है 1000 एटम। फिर इसके बाद हमने फर्दर एक्सपेरिमेंट किए थे, फर्दर जो हमने एक्सपेरिमेंट किए उस एक्सपेरिमेंट के अंदर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया बम्बार्ड किया, ये आपको हो गया एटम्स, ये एटम्स है। अब इस एटम्स के ऊपर हम क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करते हैं, जब बम्बार्ड करेंगे तो क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल्स आपको पासिंग होगा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासिंग होगा थिन फिल्म ऑफ गोल्ड, इसके ऊपर से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आपको पास विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द थिन फिल्म ऑफ ए फोर एंड सम अल्फा पार्टिकल्स विच इज बेंट विद ए स्मॉल एंगल एंड सम इज इन ए आउट ऑफ 12,000 चीज भी क्या होता है वो रिबॉन्ड करते हैं। तो हमने इसमें क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया, किसके ऊपर कराया, तो हमने एटम्स के ऊपर बम्बार्ड कराया, तो बम्बार्ड कराने पर हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा, तो आपको 3 ऑब्जर्वेशन सबसे होते हैं और ये तीनों ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, तो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स है दैट इज फास्ट स्ट्रीम थ्रू द गोल्ड मॉडल्स एंड सेकेंड इसमें क्या कहते हैं कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इज बेंड विद ए स्मॉल एंगल और लास्ट में क्या कहते हैं सरप्राइजिंग आउट ऑफ 12,001 और इसी के हम इसको ये हमारा ऑब्जर्वेशन के अंदर आ जाता है, तो हमारे क्या आ गए 3 ऑब्जर्वेशन ऑफ ए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इस ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन,
अब देखिए हमारा एक सिंपल बस हमारा क्या काम है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पास, तो पास हो गया इसका मतलब क्या है कि वो पूरा खाली है, एम्प्टी पार्ट, और एम्प्टी होने के कारण से उससे वो पास हो गया। पहला तो हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा। सेकेंड चीज है क्या थी कि जो सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फिल्ड विद ए स्मॉल एंगल, यानी कुछ ऐसे हैं जो स्मॉल एंगल से बेंड होते हैं। मींस अब बेंड क्यों होंगे, अल्फा पार्टिकल पर जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, और सेम चार्ज में क्या होंगे रिपल्स, सेम चार्ज में क्या होता है रिपल्सन, तो यहां पर रिपल्सन होगा, और इस रिपल्सन के कारण से, इस रिपल्सन के कारण से ही ये आपको बेंड होते हैं विद ए स्मॉल एंगल। ठीक है, इसका मतलब है कि स्मॉल रीजन के अंदर आपको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंस है। और थर्ड जो हमारा कहता है कि जो रीबाउंड हो जाते हैं, अब रीबाउंड का मतलब क्या है, रीबाउंड तभी होगा ये आपको सेम चार्जेज होंगे और वहां पर मास कंसंट्रेटेड होगा, तो मतलब मास कंसंट्रेटेड इन सेंटर ऑफ दैट एटम, सेंटर में टोटल मास एंड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड एंड दैट कॉज अल्फा पार्टिकल्स रीबाउंड। अब इसी से ये कहा गया कि जो इन्हें एन एटम एटम इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अब इस एक्सपेरिमेंट के या ऑब्जर्वेशन से हमें क्या मिला, वो चीज देखेंगे क्या मिला। अब इसको आप सपोज कर लो कि एक एटम आपका क्या होता है स्फेरिकल एटम, ठीक है, एटम इस स्मॉल पोर्शन है, यहां पर क्या है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कंसंट्रेटेड है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, नतर फोर्डन, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एटम के अंदर टोटल मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कहां कंसंट्रेटेड है, इस सेंटर, और इसी सेंटर को नाम दिया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय नतर फोर्ड, ये आपको कौन किसने दिया था, आपको इसको डिस्कवर। अब दूसरा चीज क्या था, क्या कहेंगे टोटल मास एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कंसंट्रेटेड इन सेंटर ऑफ एन एटम, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस एंड अदर पार्ट्स। अब यहां पर क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि दो ही पार्टिकल के बारे में, नतर फोर्ड को केवल टू सबएटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता था, कौन कौन से, पहला था इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा क्या था प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पर क्या थे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के नेगलिजिबल मास, अब इस नेगलिजिबल मास और अपोजिट चार्ज होने के कारण से ये पार्टिकल्स आपको हैवियर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इससे पास होते चलेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो रिवॉल्व कर रहे हैं ये न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, इन ए सर्कुलर पाथ। और थर्ड बताया कि जो साइज है, ये जो आपका साइज था दैट इज 10 टू द पावर 5 टाइम्स स्मॉल, स्मॉलर किससे, स्मॉलर देन साइज ऑफ है साइज ऑफ एन एटम। अब इसको आप देखो साइज क्या है, एटम का साइज होता है आपने टिपिकल एटम, टिपिकल एटम हाइड्रोजन एटम को लेते हैं, हाइड्रोजन एटम का आपका 10 टू द पावर माइनस 10 न्यूटन, ये हाइड्रोजन एटम का हो गया। अब इसके न्यूक्लियस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 15 न्यूटन, और सेंटीमीटर में लेंगे तो ये हमारा होता है 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, और ये होगा 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया आपका साइज ऑफ एटम, और इसको क्या कहेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यू न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, अब इस तरह से आपको क्या मिला कि जो साइज ऑफ एटम इज 10 टू द पावर 5 टाइम्स लार्जर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस,
या ये कह लें कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 टू द पावर 5 टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ ए क्लियर। तो आपको हमने क्या बताया इसमें मतलब कोड मॉडल में स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम क्या सब लेते हैं। फर्स्ट तो हम लेते हैं अल्फा पार्टिकल्स को लिया जो कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इसके बाद क्या लिया आपको थिन फॉइल ऑफ गोल्ड को लिए बिकॉज इट इज मोस्ट वैल्यूएबल और 1000 एटम चिप तक मिल जाते हैं। और इसके बाद एक्सपेरिमेंट में हमने ऑब्जर्वेशन किए ऑब्जर्वेशन हमारे 3 पॉइंट्स आ गया उसी को एक्सप्लेनेशन किया एक्सप्लेनेशन के बाद हमारे फीचर्स आ गए और ये रिजल्ट्स आ गए। फीचर तो हमने कितने लिए 3 पॉइंट्स फर्स्ट ये जो मास टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर कंसंट्रेटेड इन ए सेंटर ऑफ एन एटम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस और सेकंड हमारा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस और थर्ड हमारा क्या आया द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 टू द पावर 5 टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ एन एटम क्लियर। अब इसके बाद हमारा जस्ट उसके कुछ ही समय के बाद इसकी लिमिटेशन आ गई और ये लिमिटेशन क्या है उस लिमिटेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आपने रदरफोर्ड ने ये कहा कि एटम क्या है एटम आपको स्फेरिकल है और इसमें एटम के क्या हो जाता है स्फेरिकल है और स्फेरिकल के साथ ही इसके ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ये रिवॉल्व जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो गए तो ये आपको चार्ज पार्टिकल्स कोई भी चार्ज पार्टिकल्स अगर रिवॉल्व होता है तो ये रेडिएट करता है। क्या चीज रेडिएट करता है एनर्जी रेडिएट करता है और एनर्जी रेडिएट करने से एनर्जी क्या होता है लॉस हो गए और लॉसिंग और लॉस होने से इसके पास क्या होते जाएंगे रिड्यूस होते जाएंगे और रिड्यूस होते हैं अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ऑल इन टू द न्यूक्लियस। बट वी नो दैट एटम हैविंग एक्जिस्टेंस एटम में क्या है एक्जिस्टेंस है और उस एक्जिस्टेंस के कारण से ये पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल होगा जब इसके एक्जिस्टेंस नहीं होंगे। एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अरेंज होते हैं तो ये हमारे हमने जो ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कोई भी पार्टिकल्स अगर रिवॉल्व होगा तो वो क्या होता है एक्सीलरेट होता है। वो एक्सीलरेट होने पर जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होंगे अब यहां देखिए चार्ज क्या है नेगेटिव चार्ज क्या है पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इसमें क्या होंगे रेडिएटेड लॉसेज एनर्जी ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन एंड रिवॉल्विंग लॉसेज एनर्जी लॉस हो गया और इसका पाथ रिड्यूस होता जाएगा। पाथ रिड्यूस होने के बाद क्या होगा अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। ये हो गया ड्रॉबैक्स ऑफ ए डाल्टन्स एटॉमिक सॉरी drawbacks of a Rutherford model of an atom। तो आपको ये ध्यान रखिएगा ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको आता है कि Rutherford model observation of a Rutherford model इसका explanation feature and drawbacks feature and drawback आप बुक्स के अंदर इसको देखेंगे बहुत आसान। अब इस ड्रॉबैक को साइंटिस्ट के लिए और चैलेंज आ गया कि अब ये कैसे होगा जस्ट ये आपको एक्सपेरिमेंट हुए थे 1911 में और 1912 में ही आपको सेकेंड एक्सपेरिमेंट और इसको आपको नील बोर्ड ने किया नील बोर्ड ने आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ा और उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन करने में उन्होंने क्या कहा कि ओनली सर्कल। अब ये आपको देखिए रदरफोर्ड था रदरफोर्ड के बाद क्या आ गया फोर्स मॉडल इसको हम किस नाम से जानते हैं फोर्स मॉडल ऑफ एटम
ये न्यूक्लियस तो है, सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ क्या रहते हैं प्रोटोजोआ, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट्स। अब इस सर्टेन ऑर्बिट के अंदर क्या है, इसके अंदर आपको एनर्जी सर्टेन ऑर्बिट्स ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, ठीक है, और यानी क्या दिया ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज ए डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ये जो सर्टेन ऑर्बिट्स है उसको क्या नाम दिया डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, अलाउ टू रिवॉल्व द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। और इन जो ऑर्बिट्स के सर्टेन जो ऑर्बिट्स हैं अराउंड इनमें क्या फिक्स्ड एनर्जी होगी, एनर्जी होंगे फिक्स्ड एनर्जी एंड टू नो लॉसिंग एनर्जी ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन। हम ये रिवॉल्व होने पर ये जब आपको उसके अराउंड मूव करते हैं तो मूव करते समय उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती है, और इस जो ऑर्बिट से इस ऑर्बिट को उन्होंने नाम दिया के एल एम और एन, के एल एम एन, और इसको कहा गया ऑर्बिट, और इसको कहते हैं क्या चीज, इसी को कहते हैं एनर्जी लेवल, क्या कहते हैं एनर्जी लेवल, और इसको रिप्रेजेंट किए रिप्रेजेंट किया था एन इक्वल टू वन एन इक्वल टू टू एन इक्वल टू थ्री और एन इक्वल टू फोर, यानी फोर ऑर्बिट्स बने, और इस फोर ऑर्बिट्स को उन्होंने एक्सप्लेन की, और इनको क्या बताया ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल। तो बोर्स ने क्या दिया था टू थ्योरी के अंदर उन्होंने इसके जो पहला हमारा आया था दर्पण के लिमिटेशन थे कि ये रिवॉल्व होते हैं और लॉसेज एनर्जी और इनटू द न्यूक्लियस, इन्होंने क्या कहा कि ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑर्बिट्स वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू रिवॉल्व, केवल कुछ ही जो फिक्स्ड ऑर्बिट्स थे उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। और सेकेंड चीज बताया कि ये जो ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी भी क्या है फिक्स्ड है, और इस फिक्स्ड होने से ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन जिस समय उनके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स डू नॉट लॉस एनर्जी, डू नॉट लॉस एनर्जी। अब ये जो लॉस नहीं करते तो इनको क्या कहा गया एनर्जी लेवल, और इस ऑर्बिट को ही हम क्या बताते हैं एनर्जी लेवल, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम एन, के एल एम एन से, और इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं एन इक्वल टू वन होता है एन इक्वल टू टू है एन इक्वल टू थ्री एन इक्वल टू फोर। तो फर्स्ट ऑर्बिट को क्या कहा गया के सेल, और इसी को सेल भी बोलते हैं, ये आपको सेल है ये बेटा सेल भी, इसको सेल भी कहते हैं, ठीक है, क्या क्या कहेंगे सेल कह देंगे ऑर्बिट कह देंगे एनर्जी कह देंगे। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में आ जाते हैं, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट फिल इन दीज ऑर्बिट्स बाय द फार्मूला टू एन स्क्वायर, इससे इसको हम फिल करते हैं बाय द फार्मूला दैट इज द टू एन स्क्वायर, इसको टू एन स्क्वायर से इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। देखिए आफ्टर दैट ये तो आपको आ गया 1912, कब आया था 1912 के अंदर इन्होंने, अब इस 1912 के बाद द्वारा 1932 में साइंटिस्ट का नाम है चैडविक, उन्होंने क्या किया ऑब्जर्व क्योंकि ये जो आपका था फर्स्ट के लिए तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए तो वैलिड था, क्यों वैलिड था कि हाइड्रोजन के अंदर केवल प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके अंदर वन इलेक्ट्रॉन्स
और 1 प्रोटॉन्स होते हैं, और इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है, 1 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से हम एटॉमिक नंबर बताते हैं, यहां पर क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, ठीक है। तो इसको आपको ये माना गया कि जो प्रोटॉन का मास है वो 1u से बढ़ते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन से क्या मिला कि जो अदर एलिमेंट्स, जितने अदर एलिमेंट्स थे उनके मास, जो मास ऑफ प्रोटॉन्स थे, जितना प्रोटॉन प्रेजेंट था उससे या तो डबल था या उससे डबल से भी अधिक आपको उसके अंदर मिले। और इसको लेकर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ऐसा है क्या। तो पहले तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया था इसके अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स, दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, चार्ज पार्टिकल्स, जो एक पर नेगेटिव चार्ज है जिसको हमने इलेक्ट्रॉन कहा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कहा, प्रोटॉन्स होता है। अब उन्होंने ये देखा कि मास तो डबल होता है लेकिन यहां पर एक और पार्टिकल्स हो सकता है, और वो पार्टिकल्स जो है उसका चार्ज क्या है, न्यूक्लियस, वो चार्ज जीरो है, न्यूट्रल है, और इसका नाम उन्होंने न्यूट्रॉन दिया क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है लेकिन मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ ए प्रोटॉन्स एंड दैट कॉजेस मास ऑफ ए न्यूक्लियस दैट इज डबल, अप्रोक्सीमेटली डबल और मोर देन डबल ऑफ ए मास ऑफ प्रोटॉन्स, और इस पार्टिकल्स का नाम दिया था न्यूट्रॉन, ठीक है। अब हमारा क्या आ जाएगा, 3 पार्टिकल्स, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। फर्स्ट क्या दिया था, फर्स्ट की डिस्कवरी किसने किया, जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन, प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की आपको चैडविक, चैडविक ने आपको डिस्कवरी ऑफ ए न्यूट्रॉन्स। अब आप इनके तीनों के फीचर को भी बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यूनिट नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स यहां अगर प्रोजेक्ट करना चाहेंगे इसको डिफरेंस करना चाहेंगे, जैसे हमने आपको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बताया था सेम उसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को भी इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, क्या है इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा प्रोटॉन, और ये है आपको न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आपका। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को किससे बदल दिया, ये माइनस है, ये किससे बदल दिया आपकी प्लस है, न्यूट्रॉन को एन जीरो का असर है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसका जो मास है इसको नेगलिजिबल माना गया, क्या माना, नेगलिजिबल मास, और इसका मास 2000 टाइम्स है, और इसको माना गया कि 1 यूनिफाइड मास, प्रोटॉन्स का मास है वो 1 यूनिफाइड मास है, और न्यूट्रॉन के लिए भी 1 यूनिफाइड मास, इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेशन आ गया इसके मास आ गया। अब इसी तरह से चार्ज है यूनिट नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर माइनस 1 इसके क्या हो जाएंगे, प्लस 1, और इसका चार्ज क्या होगा, जीरो, ठीक। अगर हमारा पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, अराउंड द न्यूक्लियस, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस, और ये सब आपको कहाँ प्रेजेंट होंगे, इज प्रेजेंट इनसाइड, इसमें इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। अब देख लीजिए ये भी आपका क्या है, इनसाइड, इनसाइड द न्यूक्लियस, आप बता सकते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर हम डिफरेंस कर सकते हैं। फिर हमारा आता है जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो अरेंज होते हैं वो अरेंज कहाँ होते हैं, तो हमने क्या बताया, बोर्ड्स ने क्या बताया था कि स्पेशल ऑर्बिट्स, स्पेशल ऑर्बिट हैविंग द स्पेशल एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड एनर्जी। अब ये फिक्स्ड पाथ और फिक्स्ड एनर्जी जो है उनको क्या नाम दिया, ऑर्बिट्स,
तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? उस ऑर्बिट में। लेकिन ऑर्बिट में कैसे होते हैं इसके लिए साइंटिस्ट ने इसके अरेंजमेंट को बताया कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स अरेंज इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, डिफरेंट पाथ, पाथ ऑफ ए अराउंड द न्यूक्लियस, पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। तो फर्स्ट हमारा यही आता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज होते हैं इन डिफरेंट पाथ बाय द फार्मूला। इसका हम क्या कहेंगे, फर्स्ट फार्मूला क्या है, इसके लिए हम रूल्स देते हैं 2n2। अब यहां देखिए 2n2 क्या है, n की वैल्यू स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4। तो के सेल, के सेल के अंदर आपको के में n की वैल्यू कितना होता है 1, k की वैल्यू, n की वैल्यू, k में n की वैल्यू 1 है। तो ये आपको 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां रहेंगे, के सेल में रह सकते हैं। फिर आपको एल सेल, एल में क्या होता है, n की वैल्यू 2 है, तो ये आपको 2 × 2 का स्क्वायर ये क्या आ जाएगा 3। एम में, एम के अंदर आपको एम की वैल्यू कितनी होगी 3, तो ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर दैट इज 18। और एन है, एन सेल को हम क्या बताए, 4, एन की वैल्यू 4 × 2 का स्क्वायर दैट इज 32। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं 2, सेकेंड में कितने रह सकते हैं 8, थर्ड में कितने रह सकते हैं 18 और फोर्थ में 32। तो ये हमारा अरेंजमेंट आ गया 2n2 से। नेक्स्ट चीजें आपको ये जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको हम फिट करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो फर्स्ट जो हमारा ऑर्बिट है ये स्टेप बाय मैनर है, यानी स्टेप बाय, यानी फर्स्ट सेल हमारा कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स आपको सेकेंड में मिल जाएगी, और फिर सेकेंड जब फिल्ड हो जाएगा यानी फर्स्ट में कितने थे 2, जब 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो जाएंगे फिर वो जाएंगे सेकेंड में, सेकेंड जब फिल्ड हो जाएगा फिर जाएगा थर्ड, ठीक है। और थर्ड स्टेप, थर्ड जो हमारा पॉइंट होता है अरेंजमेंट करने के लिए, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या आ गया, पहला तो ये पी एन टू एन एस पार्ट से हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, दूसरा हम स्टेप वाइज करेंगे, थर्ड हमारा क्या है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट पार्ट, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, वो 8 होंगे, और उसी 8 से हम इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को 8 रखेंगे, और इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिए, इसके लिए आपको हमने पिछले में बता रखा है कि 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स के नेम, उसके सिंबल्स, नेम, एटॉमिक नंबर, ये इतना आपको आना चाहिए, फिर हम इसके अरेंजमेंट को बताएंगे। नेक्स्ट डे आप इस चीज को करके भी आएंगे और इसे आगे अरेंजमेंट में बताऊंगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप जरूर बताना, क्लियर, ओके।